गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है आशीष। तो भाई यहाँ खड़ी है टोयोटा ग्लैंजा और ये है इसका जी वेरिएंट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ओवरऑल लुक कैसा लगता है रात को, इसकी हेडलाइट्स वगैरह कितनी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो यहाँ से आप अभी इस गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हैं। तो इसमें आपको LED सेटअप मिल जाते हैं, इसकी हेडलाइट्स के अंदर आपको DRLs मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पर आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं और नीचे की ओर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और नीचे की ओर आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आता है सामने से जब आप इसके फॉग लैम्प एंड LED हेडलैम्प्स को ऑन कर देते हैं। और ये है इसकी लो बीम की थ्रो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको एकदम डार्क में या फिर आगे की ओर लेके जाता हूँ और आपको इसका लो बीम और हाई बीम का थ्रो दिखाता हूँ कि कैसा रहता है इस गाड़ी का। तो अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं आपको इसकी लाइट की कैपेसिटी दिखा सकता हूँ कि कैसी लगती है टोयोटा ग्लैंजा जब आप इसके हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और आपको कितना थ्रो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसके फॉग लैम्प को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना थ्रो आपको देखने को मिलता है टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। तो ये है टोयोटा ग्लैंजा का केवल फॉग लैम्प का थ्रो जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। तो सिटिंग पोजीशन पे जब आप बैठते हैं तो इतना व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है और अगर आप थोड़ा सा आगे होंगे तो आपको रोड की ओर क्लियरली थोड़ा सा दिखाई देगा। पीछे की ओर से विजिबिलिटी केवल फॉग लैम्प ऑन करने पे कम ही रहती है। अब मैं आपको इसकी लो बीम ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये है इसका LED सेटअप की लो बीम जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ड्राइवर सीट पे अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको इतनी विजिबिलिटी यहाँ से देखने को मिलेगी। और अभी फ़िलहाल इसको मैंने एकदम लोवेस्ट मोड पे करा हुआ है। अब धीरे धीरे मैं इसकी लो बीम को ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ एक एक करके और आपको दिखाता हूँ कि लो बीम की हाइएस्ट रेंज आपको कहाँ तक देखने को मिलती है। तो ये है इसका पहला लेवल और ये है इसका दूसरा, यहां तक गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ लेवल तक आपको यहां पर इतनी विजिबिलिटी देखने को मिलती है टोयोटा ग्लैंजा के अंदर जो कि काफी ठीक ठाक है। एक अच्छी लाइट आपको देखने को मिलती है LED सेटअप के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक बर्ड भी दिखाई दे रही होगी जो कि क्लियरली विजिबल हो रही है इसके LED सेटअप में। अब मैं आपको इसकी हाई बीम दिखाता हूँ कि कैसी लगती है, वो कहाँ तक आपको देखने को मिलती है। तो एक बार इसकी हाई बीम ऑन करते हैं तो ये है इसकी ओवरऑल हाई बीम जो आप देख सकते हैं और इतना आपको विजिबिलिटी देखने को मिलती है इस टोयोटा ग्लैंजा के LED सेटअप में। ए पिलर के साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी विजिबिलिटी मिलती है और इंडिकेटर देने पर इतनी रोशनी आपको रोड पे नज़र आती है। बट ये है कि ठीक ठाक अच्छी खासी विजिबिलिटी है, LED सेटअप होने का यही फायदा रहता है। तो अब एक बार मैं आपको ड्राइव भी करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ तो पूरा कम्प्लीटली अंधेरा है तो आपको उतना कुछ खास अंदाजा लग नहीं रहा होगा। एक बार झाड़ियों में भी आप देखिए कि आपको कितना दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस हिसाब से आपको विजिबिलिटी देखने को मिलती है जो कि लो बीम में है फिलहाल अभी और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, ब्राइट है काफ़ी ज़्यादा, हेलोजन से तो बेटर ही रहती है। तो ये देखिए आपको इतनी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। अब एक बार मैं इसको रोड्स पे ले जाता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक में आप देखिएगा कि आपको कितनी विजिबिलिटी मिलेगी और एक बार हाई बीम ऑन करें तो इतना आपको हाई बीम देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है और काफ़ी अच्छी खासी रोशनी आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बार चलते हैं ट्रैफिक में और वहाँ पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने से गाड़ी आ रही है हाई बीम पे और कितना ज़्यादा शार्प है उसका, शायद ये फोर्ड एंडेवर है। तो हाँ, तो फोर्ड एंडेवर थी, काफ़ी ब्राइट वाइट हेडलाइट थी इसकी
अब इसको अगर हाई बीम पे करूंगा तो शायद सामने वाले को भी इतनी ही ब्राइट लगेगी। तो एक बार मेन रोड पे मैं आ जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितनी आपको रोशनी देखने को मिलती है रोड पर, विजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत रहती है या नहीं रहती। ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की यार बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको रात वगैरह को या हाईवे वगैरह में चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। एलईडी सेटअप का यही फायदा रहता है। तो ये लो बीम है, एक बार मैं आपको डिपर करके दिखाता हूँ। तो देखिए इतना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है रोशनी, जो कि मेरे हिसाब से काफी इनफ है। तो गाइज ये थी मेरी ओवरऑल वीडियो यार ऑन दी हेडलाइट्स ऑफ टोयोटा ग्लांजा, कितना इफेक्टिव है ये हेडलाइट्स ऑन रोड। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इसकी हेडलाइट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो एक थम्स अप जरूर दे देना जाने से पहले यार, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।